हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ हुआ है और नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ हुआ है 21 डेज़ का, सो जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई एलेट के जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। अब एलेट का एग्ज़ाम 31 मई को होगा और इसकी डेट्स आगे भी एक्सटेंड हो सकती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेडलाइन है वो भी अप्रैल 30 हो गई है। सो द एग्ज़ाम हैज़ बिन पोस्टपोन्ड। जिनकी तैयारी नहीं थी स्टूडेंट्स की, अब उनको इनफ टाइम मिल गया है, वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आप लैक करते हो, जिन जिन सब्जेक्ट्स में, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ द टाइम गाइज, यूटिलाइज़ योर टाइम। आप क्वारंटाइन टाइम अपना यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट वीक हैं आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप मेरी सीरीज़ देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, तो यू कैन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो MCQs। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। और जहाँ पे भी, अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। सो यूटिलाइज़ योर टाइम। जितना भी आप टाइम ये यूटिलाइज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस करो बार बार, MCQs को सॉल्व करके देखो। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू गाइज टू वर्क हार्ड, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपका स्कोर अच्छा रहे। और अगर सिचुएशन जो ये आउटब्रेक है, अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, उसकी वजह से एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन हो सकता है। बट आप यही मान के चलो कि एग्ज़ाम जो है 31 मई को ही होगा। सो गवर्नमेंट, क्योंकि सब जितना भी हो रहा है कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सो द एग्ज़ाम विल टेक प्लेस ऑन 31 मई गाइज। थैंक यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड द प्रिपरेशन। डू सब्सक्राइब my channel for more updates. Thank you. Stay tuned.